गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज थोड़ी अलग दिख रही हूँ। ये देखिए ड्रेस पहन लिया मैंने। ट्रेनिंग है, नहा धो के एकदम रेडी ट्रेनिंग में जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट कर, मतलब 7 बजे जो खाती हूँ वो खा लिया, वहाँ जाके और एक बार ब्रेकफास्ट करूँगी सबके साथ। सजना धजना कुछ नहीं, ऐसे ही जो किया है उसी पर ना गाली पड़ जाए। मैं अपने ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग तो चलो मेरे साथ। ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई और मेरी सहेली देखो मेरे बालों को स्टाइल कर रही है, बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से बांध रही है। सबको बांध दिया, सबको मतलब 3-4 जन हमारे उम्र के जो है तो उसको बांधा। तो मेरी और एक सहेली है उसको भी बांधा, तो मैंने बोला मुझे भी बांध दो, मुझे भी बांध दो। ये सब दीदिया देखो रेडी हो रही है ट्रेनिंग में जाने के लिए, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या है देखिए, मुरमुरे, घुगनी और रसगुल्ले। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। चलो खा लेते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करके हॉस्टल से ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं। 5 मिनट का रास्ता है, पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर। बहुत ही खुशनुमा माहौल है, शांत शांत, पंछियों की आवाज़ें भी आप लोगों को सुनाई देगी। और क्या, अभी जाती हूँ अंदर। जेल जेल जाना होता है, ये ट्रेनिंग नहीं होती, जेल जाना होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई, ऊपर से कल शैम्पू किया। आकर मेरे ससुराल की जो मैंने यहाँ पे जो पानी है ना ससुराल का, इतना अच्छा है कि आप ऐसे ऑयल ना मैसेज करो, ऐसे ही शैम्पू कर लो, बाल एकदम स्पा किए जैसे लगेगा, स्किन एकदम चमकने लगता है, इतना अच्छा है। आप 10 रुपये का एक छोटा सा साबुन लेकर ही नहा लो, स्किन झलकेगा। इतना अच्छा पानी मैंने कहीं नहीं देखी, ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखी इतना अच्छा पानी। तो नहा लिया अच्छे से, शैम्पू भी कर लिया था कल, और आज भी नहा के आई हूँ। चमक दिख रही है, ऐसे ही चमकती है मेरी स्किन, लेकिन यहाँ के पानी से और ज़्यादा चमकने लगी। चल अब ट्रेनिंग करती हूँ, फिर निकल के आप लोगों से बातें करूँगी जब छोड़ेंगे, ठीक है। लंच का टाइम हो गया, बीच में ब्रेक, लंच ब्रेक, तो हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर अलग है, हॉस्टल अलग है, और बहुत धूपी लगी है इसलिए आपकी रानी घूंघट में है, खाली हो जाएगी ना, इतनी धूप। आप कल से मैं छाता लाऊंगी, और पता नहीं प्रीतम क्या कर रहा है, फ़ोन करने का टाइम नहीं है। अभी खाकर ही फिर हमको ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होगा, फ़ोन करूँ वो टाइम नहीं है। और बहुत दूर है, 10 मिनट चलने ही लग गया, लेकिन क्या करें, कर तो कुछ नहीं सकते, जैसा सिस्टम है ऐसा करना पड़ रहा है। और हाँ, देखते हैं क्या खाना देंगे, कल नहीं अच्छा ही देंगे, जो देंगे आप लोगों से शेयर करूँगी। और सच बोलूँ बहुत नींद आ रही थी इतने ही में, बहुत ज़्यादा कल इतने से इतना काम किया ना, इतना घर का सब कुछ करना पड़ा, चीज़ें समय इतना रखना, बहुत बहुत ज़्यादा तो नींद तो आनी थी, बहुत थकावट है। ऊपर से ट्रेनिंग अभी कभी पढ़ना था, और क्या, चलिए लंच में क्या है। ये देखिए थाली, राइस, मछली, एक सब्जी, आलू भाजी और
दाल। लंच कंप्लीट, ये थोड़ा सा रेस्ट, फिर जाना है। थोड़ा सा नींद ले लेती हूँ, फिर ज्वाइन करना है। 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का नहीं, 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट तो जाने में ही लग जाए। चलो थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी। आज के लिए ट्रेनिंग ख़त्म, सब निकल रहे हैं हम। अभी टिफिन देगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, यहीं से ट्रेनिंग सेंटर से ही घर वापस चली जाऊँगी। रास्ते में कुछ खाऊँगी, देखती हूँ। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, पता नहीं कितनी बात मेरी मानेंगे कितनी नहीं। अभी बोलूँगी तो बहुत टायर्ड होगी। वापस 6 बजे तक बिठा के रखा, 2:30 बजे से 6 बजे तक हम बैठे रहे, एक एक मैंने नो ब्रेक। और मैं एग रोल खाई और प्रीतम ने देखो 2 लॉलीपॉप लिया और 2 लेकर फिर नखरे करने लगा। मुझे वॉमिटिंग आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, बहुत बदमाश बच्चा है। और फिर मैंने एक लिया, एक में से थोड़ा लिया, थोड़ा वो खाए खाया और उसके पापा ने थोड़ा खाया, ऐसे ही पार किया। शॉपिंग मॉल आ गए, प्रीतम के लिए कुछ टी शर्ट लेनी है और देखते हैं और क्या लेना होता है। चलिए शॉपिंग मॉल में सबसे प्यारा जो सेक्शन होता है ये वाला, मेरा बाप रे मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। अच्छे अच्छे जो बर्तन होते हैं, कप सेट कंटेनर होते हैं और कांच के जो जार होते हैं, कप्स देखो, ये सब तो देखते ही बनता है। हाँ ज्वेलरी और वो तो कॉस्मेटिक्स वो तो देखती हूँ, लेकिन ये वाला भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और कितने सारे देखो सामान रखे, लेकिन लूँगी कुछ भी नहीं क्योंकि रखने की जगह नहीं है, गाली पड़ेगी, मेरे हस्बैंड बहुत डांटेंगे। इसे देख लेती हूँ, वही बहुत है।
और देखने में क्या चाहता है, मैं तो घर लेकर नहीं जा रही हूँ ना, ये कांच का जार जो सबसे ज़्यादा पसंद है, प्यारा सा छोटू सा और यार टाइट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन डर के मारे नहीं ले पाई, सिर्फ देख लिया, बाद में लूँगी, घर हो तब ले लूँगी, मुझे बहुत कांच की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ओए होए, ये तो मेरी सपनों की दुनिया है। ओ ज्वेलरी देखो, एक है ज्वेलरी एकदम अलग, एकदम डिफरेंट है एक एक चीज़ से, और प्यारी भी लग रही है। बोला ना, अभी कुछ नहीं लेना, अभी घर हो फिर ज्वेलरी कुछ कुछ लेना होता है, लेकिन आज नहीं लिया क्योंकि आज जल्दी में थी, देखने का टाइम भी नहीं है, सिर्फ एक बार ये एक साथ देख लिया, बहुत अच्छी लग रही है, ये तो लग रहा है पूरा उठाकर घर लेकर चली जाऊँ। ओह, एक एक कान का डिज़ाइन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, लूँगी बाद में टाइम होगा तो देख कर, ठीक ठाक एक दो तो लूँगी ही, अभी तो हूँ यहाँ पे 7 दिन तक, ये कान का सबसे ज़्यादा ये अच्छा है। देखिए क्या काम किया है आज, ये बनाए मैंने बैठकर, 1.5 घंटे लगे, 1.5 घंटे ये बनाने में। मेरे स्कूल का जो रूटीन होता है बच्चों को पढ़ाने की, वो बनाना पड़ता है, ये स्कूल में जाकर टांग दूंगी दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। इतने देर तक बैठा के रखे है, उस पर भी आस नहीं भरी, अब ये काम दे दिया। देखो चेहरे की हालत, नींद आ रही है, सब आके झुक गई, और खाना कुछ हजम नहीं हुआ, जो भी खाया मैंने बाहर देखा आप लोगों ने। एडिटिंग मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, एकदम सुबह सुबह उठ जाऊंगी 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे कर लूंगी, मुझे अब होगा ही नहीं। आके देखो पहले दिन ही ये हालत कर दी, पहले दिन ही आवाज उठ ही नहीं रहे, लेकिन आप लोगों से बातें करूंगी मी मी करके क्या, इसलिए आवाज उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और कैसे बाल बांध, देखो बाल बांध दिए मेरी सहेली ने, अभी तक ठीक है, अभी तक एकदम सेट है, अभी खोलूंगी इसे, ऐसे सोया नहीं जाएगा, खोलना पड़ेगा, फिर अच्छे से बांधूंगी नॉर्मल जैसे बांधती हूँ। और खाना देखती हूँ क्या है, चावल तो नहीं है, चावल के बिना मैं खा नहीं सकती, आप लोग जानते हैं रोटी खाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में तो रोटी बनती ही नहीं, कभी कभी बन जाती है। और अभी क्या करें, अभी बनाने का टाइम नहीं है ना, तो टाइम अगर ना हो तो जो मिले वही खाना पड़ेगा, तो मैंने बोला एक रोटी और कुछ मुरमुरे खा लूंगी तो हो जाएगा, आज का मैनेज हो जाएगा। और कल फिर 10 बजे क्लास है, 8:30 बजे निकलना है, वहीं पे ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर क्लास ऐसे ही क्लास करवाएंगे एकदम 10 बजे से 6 बजे तक बोल दिया है। और ये चुनरी खरीदा, और प्रीतम का कुछ गंजी जो टी शर्ट होता है वो खरीदा है, अभी दिखाती हूँ टी शर्ट। हाँ, और ये है चुनरी जो मैंने खरीदा, गर्मी है ना अभी, इसको ही मैं मुंह पर अच्छे से चेहरे पर बांध के फिर मैं स्कूल जाऊंगी, साइकिल पे इतना दूर जाना पड़ता है, चेहरा जल जाता है, और सफ़ेद है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और क्या, तो चलिए दिखाती हूँ गंजी, गंजी नहीं, हम गंजी बोलते हैं ऐसे नहीं, टी शर्ट होता है, टी शर्ट बोला जाता है। ये देखिए, 3 टी शर्ट लिया है उसके पापा ने, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो शॉपिंग मॉल घूमती रही, क्योंकि मेरे पसंद उनको पसंद नहीं आती, तो मैंने बोला छोड़ दो, और लड़कों की चीज़ें मैं उतना पसंद कर भी नहीं पाती, एक ब्लू वाला और ये एक 3 कलर का, और एक भी लिया है, वो भी वैसे ही 3 कलर का सेट किया हुआ, जो मर्जी पहने जो मर्जी खरीदे, यार लड़का है कोई बात नहीं, लड़की होती तो मैं देखती मैं। चलो तो ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा।